वैसे तो अपने अपने फन में माहिर लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई जरायम की दुनिया में ऐसा नाम पैदा करे जिसे पुलिस से लेकर जज तक बस उसके नाम से पहचानने लगे तो हैरानी होती है। कारनामे ऐसे ऐसे कि सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वो चोरी करने से ऊब गया तो फर्जी कागजात बनाकर जज बन बैठा, मतलब जिस चोर को कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था वो जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुना रहा था। ये रोचक कहानी है हरियाणा के भिवानी में पैदा हुए धनीराम मित्तल की। नमस्ते, मैं रमन हूं और आप हैं मंच पर। 1939 में पैदा हुए धनीराम मित्तल की जिंदगी 24-25 साल की उम्र तक नॉर्मल थी। रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो पढ़ने में काफी तेज था। ग्रेजुएशन करने के बाद 1964 में जब इसकी उम्र 25 साल थी तब नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। कई जगह इंटरव्यू भी दिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उसने सोचा सही रास्ते पर चलकर सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो वो रोहतक के RTO ऑफिस पहुंचा। वहां गाड़ियों के फर्जी पेपर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम शुरू कर दिया। फिर क्या था, फर्जी कागजात बनाकर इंडियन रेलवे में नौकरी भी ले ली और स्टेशन मास्टर बन बैठा। 1974 तक रेलवे में 6 साल नौकरी करने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम गाड़ियां चोरी करने लगा। कहते हैं पढ़ा लिखा गुनाहगार ज्यादा खतरनाक होता है। धनीराम पर यह बात बिल्कुल 16 आने सही बैठती है। उसका आए दिन जेल और कचहरी आना जाना लगा रहता था। उसे लगता था कि वकील लोग उससे पैसे ऐंठ रहे हैं, इसलिए उसने चोरी करते करते ही ना सिर्फ LLB की पढ़ाई की और वकील बन गया, इसके बाद उसे लगा कुछ और भी करना चाहिए तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की। मसलन अब वो खुद ही गाड़ियां चुराता, उसके फर्जी कागज तैयार करता और उसे आगे बेच देता था। चोरी के कई मामलों में धनीराम का गिरफ्तार होना और बार बार जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच दिल्ली की एक कोर्ट में पुलिस उसे पेशी के लिए लेकर पहुंची तो जज साहब उसे देखते ही पहचान गए और उन्होंने धनीराम से कहा कि तुम फिर चले आए। इसके बाद उन्होंने कहा तुम बाहर निकलो मेरी कोर्ट से। ये सुनकर धनीराम उठा और कोर्ट के बाहर चला गया। उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में हैं। बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। फिर मौका देखकर धनीराम वहां से 9:00-11:00 हो गया। पेशी के लिए जब धनीराम का नाम पुकारा गया तब तक वो फरार हो चुका था। हरियाणा के इस सातिर चोर ने अकेले 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई। गाड़ियां चुराने का उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसने कभी भी रात में गाड़ियां नहीं चोरी की, दिन में ही घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे 94 बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। 5 दशक से ज्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर क्यों माना गया उसकी भी एक अलग कहानी है। दरअसल साल 1980 में उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक फर्जी लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। ये लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि आपके खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए आप 2 महीने तक लीव पर रहेंगे। ये लेटर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। इसके बाद धनीराम ने एक और लेटर लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर हैं तब तक दूसरे जज को कोर्ट का काम देखेंगे। इसके बाद मित्तल खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगा। 40 दिन के अंदर उसने 2470 केस की सुनवाई की। इस दौरान हत्या, रेप और कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देता गया। इस बीच नए जज की तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। इसके बाद जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़ा गया। लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया।
83 साल के धनीराम की बात खास थी, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से धीरे धीरे धनीराम का नेटवर्क कमजोर होता गया। वो 1964 से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन आखिरी बार 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया में चोर तो बहुत हुए और आगे भी होंगे, लेकिन धनीराम के धनीराम बनने की कहानी दूसरी सुनने को नहीं मिलेगी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।